शिव के लिए कोई चाहिए नहीं, शिव के मदद करो या नहीं करो पर शिव सबके लिए करेगा, सब खुश है, सब खुश है कि खुशी के बारे में खाना भी नहीं खा रहे। शिव के पास दिल बहुत है और दिलदार है, वो पैसे के लिए बिग बॉस में गया नहीं, और भी फैन जो परिवार है उसके भाई बहन माँ बाप है जो देश विदेश के या महाराष्ट्र के, उसका दिल जीतने गया, पैसे के लिए नहीं गया। बहुत खुश थी मैं, वो भी खुश हो गया। थोड़ा सा बीच में वो खेल रहा अच्छा, पर उसको ऐसा लग रहा कि मेरे को कोई बता नहीं रहा कि मैं कैसा खेल रहा हूँ, इसने इमोशनल भी हो गया था, बिग बॉस ने बुलाया था भी उसको, पर उसको कमज़ोर के कमज़ोर रहने किसी ने हिम्मत दी नहीं उसको, पर मैं जाने के बाद फुल चार्जिंग हो गया हो, मैंने कुछ बोलना नहीं पड़ा मेरे को उससे, सिर्फ तू जैसा है वैसा खेल, अच्छा खेल रहा है, बाकी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो शिव के लिए कोई चाहिए नहीं, शिव के मदद करो या नहीं करो पर शिव सबके लिए करेगा, शिव का जो प्यार है, शिव का जो ये है, तो उसका दुआ ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा उसके साथ, इसलिए उसका और भी पक्का बन जाएगा शिव, इसलिए उसकी आदत है ऐसी सबको संभालने की, प्यार देने की, किसी के बारे में बुरा ना सोचने की, तो इसीलिए ही वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। उसने भी अच्छा सा आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया कि जो कुछ मैं शिव को आशीर्वाद दे रही वो ट्रॉफी लेके जाएगा 100%। सब खुश है, सब खुश है कि खुशी के बारे में खाना भी नहीं खा रहे। हाँ तो अभी इमोशनल हो गया वो, पर मैंने उसको ज़्यादा नहीं होने दिया कि तू आया ना, तेरा सपना था ना यहाँ आने का, नंबर लगाने का या पहुँचने का, अभी मंजिल तक पहुँच जाएगा, अच्छा खेल रहा है ऐसा ही खेलते रहे, बाकी का हम देखेंगे, सब फैन तेरे से प्यार कर रहे हैं, हिम्मत मत हार तू, बस इतनी हिम्मत दी मैंने सबको, दी सबको आशीर्वाद दिया, सबकी बैटरी चार्जिंग कराई, शिव अकेला ही बच्चा नहीं है मेरा, सब बच्चे हैं, भांडते हैं झगड़ते हैं, भले रहो बुरे रहो आखिर मेरे ही बच्चे हैं, तो इसीलिए मेरे को सबको आशीर्वाद देना पड़ा, मेरे दिल में कुछ नहीं रखा मैंने, जो कुछ हुआ गया बिग बॉस के घर के अंदर, इसकी सिचुएशन ही ऐसी रही थी, किसी की सोच कैसी, किसी की कैसी, किसी को शिव को भगाने की है, तो वो चले गई। अर्चना को इतना मैं बोल के आई कि भाई अभी शिव के जानलेवा हल्ला करना मत, नहीं नहीं आंटी मैं सुधर गई, मेरी बैटरी चार्जिंग हो गई, वो बच्ची है आखिरी चलता रहे तो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अकेला तो कोई खेलता ही नहीं ना, बिग बॉस टास्क भी देंगे कि आधे इधर के आधे इधर के, अन मराठी तुमने देखा होगा कि शिव का गुस्सा करने वाले जो रहते, पाँच छः जने, छः छः जने, दस बारह जने रहते, तो शिव को जो ग्रुप में डाला बिग बॉस ने कि जो जिससे के साथ उसकी, शिव तो किसी गुस्सा करता नहीं, पर शिव का जो गुस्सा करने वाले उसके टास्क ग्रुप में बिग बॉस डालते थे, तो जो ग्रुप में शिव खेलेगा वो ग्रुप जीतेगा, उसको जिताएगा शिव, ऐसा नहीं कि वो मेरे को प्यार करने वाले तो मैं उसकी केयर लूँगा, ऐसा शिव का नहीं है, वो कितनी भी वो मंडली मंडली बोलते हैं, पर मंडली नहीं है, वो परिवार है, अपना परिवार समझता, अपना कुटुंब समझता बिग बॉस के घर में, इसीलिए वो सबके साथ रहना, मस्ती करना, दिन भर टास होने के बाद दिन भर उसका ही नाम लेना लेना, चुगली करना, ये शिव को पसंद नहीं है, वो अब्दू से मस्ती करेगा, साजिद भाई बड़े है इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करना काम है, पर जो टास्क खेलने के भाई खुद के दिल से खेलेगा, खुद के दूसरों के दिमाग से नहीं करता, और जो उसके साथ रहने वाले उसको कभी अच्छी बुरी सलाह देते नहीं है, बुरी सलाह देते नहीं है, जो शिव कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। साजिद भाई भी खुश है कि शिव को ट्रॉफी मिलेंगी, MC स्टैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने अपना नसीब है, जिसको मिलेंगी उसको मिलेंगी, अपना खेलते रहो मंजिल तक पहुँचते रहो, होगा होगा, शिव के पास दिल बहुत है और दिलदार है, वो पैसे के लिए बिग बॉस में गया नहीं, और भी फैन जो परिवार है उसके भाई बहन माँ बाप है जो देश विदेश के या महाराष्ट्र के, उसका दिल जीतने गया, पैसे के लिए नहीं गया, वो ट्रॉफी बहुत पसंद है उसको, पैसा पसंद नहीं है, पैसा तो आदमी कहाँ भी कमा सकता, और वो प्रियंका अंकित ने जो सोच की है अपनी अपनी सोच रही थी, उसके बारे में तो नहीं बोल सकते ना अपन, तो वो अपनी सोच करेंगे, फाइट है वो, फाइट में तो कुछ बोल सकेंगे, पर ऐसा नहीं कि उसने अपने बारे में बुरा सोचा तो शिव उसके पास जाएगा नहीं, ऐसा नहीं, उसके पास भी जाएगा, उसको भी समझाएगा, अर्चना को भी लाइन पे लाएगा,
मुझे तो गुस्सा करने वाले से और प्यार करता, अपने से तो कोई भी प्यार करता, जो अपने को प्यार देती उसको प्यार करना, पर जो गुस्सा करने वाले से, दुश्मन से प्यार करना, यही तो बड़ी महान आत्मा की निशानी है ना। देऊंगी मैं सबको, मेरे को अब बहुत अच्छी है, समझदार है, और जो शिव बोलेगा उसको गलती भी हो गई तो सब जने क्या करते, पाँच छः जने एक साथ बैठ के बोलते कि गलती हो गई तो सबको बोलो, सवाल कर देंगे। साजिद भाई वही अच्छा काम कर रहे हैं, टास्क बड़ा टास्क नहीं उसके धावपड़ करना होता तो वो अच्छा काम कर रहे, वो भी बुरा सोच नहीं रहे। और निमृत भी अच्छी है, सुम्बुल भी अच्छा है, मेरे लिए तो सब घर वाले भी अच्छे हैं। सोच अलग अलग है, पांच उंगलियां एक जैसी तो नहीं रहती ना, किसकी छोटी बड़ी, ऐसी सोच भी सबकी अलग अलग है। इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, मैं सबको आशीर्वाद दे के आई, सबको समझा के आई, मैं किसी को गुस्सा नहीं किया, मैंने बैटरी चार्जिंग करके आई जरूर। हाँ तो अच्छा खेल रहा तो अच्छा ही बोलेंगे, पर सलमान भाई को मिलके ऐसा लगा मेरे को कि मेरा शिव का बड़ा भाई है बच्चा। सलमान इतना बड़ा हीरो रहने के बाद उसको बहुत कुछ अभिमान नहीं है, अपनी माँ समझ के, अपना परिवार समझ के उसने इतना एक सेकंड में इतना प्यार दिया कि मैं बहुत खुश हो गई। मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी सलमान भाई को। तो अन्य ऐसे भी मैं टीवी पे देखती, किसी हीरो से मेरी बात नहीं हो गई ज़्यादा, पन सब हीरो इसको कुछ अभिमान नहीं है। तो इसको ही मैं समझा के आई घर में, कह रहे तुम छोटे मोटे सीरियल करते हो, अभी स्वाभिमान से रहो, अभिमान मत करो, ये बड़े हीरो ऐसे ही नहीं बन गए, छोटे से जीरो से बड़े हीरो बन गए, तो अभिमान करते थे बड़े हीरो नहीं बनते थे। कभी हीरो अपना अनुभव बताते कि हम आलू बोंडा खा के होटल में जाते थे, काम देखने जाते थे, ऐसे बड़े हो गए। तो इसीलिए मैं समझा के आई, सबको अच्छा लगा, सबको आशीर्वाद दे के आई, मेरे लिए सब अच्छे, भले रहो बुरे रहो, आखिर मेरे ही बच्चे हैं। वो तो नहीं बता सकती मैं, पन है इतना, अबू रहेगा, अबू रहेगा, शिव रहेगा, स्टैंड निमृत, प्रियंका, उसके पीछे सौंदर्य भी आ सकती है, सुम्बुल भी आ सकती। बस जाने से पहले मैं नमस्ते, मैं शिव की आई बोल रही हूँ, और मैं सबकी आई, शिव की आई नहीं है, जो इंडिया देश विदेश के मैं फैन परिवार को कहना चाहती हूँ कि शिव के लिए जो तुम दे रहे है, साथ दे रहे है, फैन उसके फैन जो कुछ उसको मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे देते रहना, शिव को मंजिल तक पहुँचाते रहना, और ट्रॉफी अपने शिव के हाथ में देखो, यही मेरी इच्छा है। ओम शांति।